हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट रुखसाना इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टीवी। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बी द लाइट टीवी आपकी ज़रूरत की हर एक चीज़ आपको आपके घर तक पहुंचाने की कोशिश करता है। पिछले दिनों हमने अर्बन रिसोर्स सेंटर में एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जिसमें ख़वातीन को बाइक राइडिंग सिखाने के बारे में बात हो रही थी। जब हमने ये देखा, हमने ये जाना कि बाइक राइडिंग जो है वो ख़वातीन के लिए ज़रूरी तो हमेशा से महसूस हो रही थी, इसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी कि कितना ज़रूरी है कि ख़वातीन अपने जो आने जाने की उनकी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सके, बजाय इसके कि वो भाइयों का इंतज़ार करें, दूसरे ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार करें, उन्हें किसी तरीके से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन ये जान के खुशी हुई कि कोई है जो यहाँ पर पाकिस्तान में लड़कियों को सिखा रहा है। ये सब जानकर हमें बहुत अच्छा लगा और हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम आपको वहाँ ट्रैक पे लेके जाएं, ताकि आपके जो जहनों में मज़ीद उलझने बाकी रह गई हैं उनको क्लियर किया जाए। आज हम आपको यहाँ पे लेके आए हैं जहाँ पर आप मुख्तलिफ़ लड़कियों से, ट्रेनर से मुलाकात करेंगे, उनकी जो एक्सपीरियंस है उनको आप जानेंगे। उसके साथ साथ हम आपको वो चीज़ें भी दिखाएँगे जो बाइक राइडिंग के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान आपको सहूलतें मुहैया की जाती हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं ये सारा प्रोसेस किस तरह से होता है। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ खुर्रम साहब मौजूद हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान में उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और उनको ये ख्याल कैसे आया कि उन्होंने यहाँ पे आके ख्वातीन के लिए ख़ास तौर पर ये वाला काम करना है। खुर्रम साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसे हैं आप? जी, खुदा उनका शुक्र। सबसे पहले बी द लाइट टीवी की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कबूल हो, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए काम कर रहे हैं, ये काम बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। हमें कुछ बताइएगा कि ये काम करने के बारे में आपको कैसे आपने सोचा और कैसे ख्याल आया? देखें, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों की कमी है और बस ये भी एक कमी थी जो नज़र आ गई और सोचा कि इस पे काम होना चाहिए। दुनिया भर में देखा है ख़वातीन बाइक चलाती हैं, ख़ुद मुख्तार हैं। पाकिस्तान में ही ख़वातीन जो हैं वो ख़ुद मुख्तार नहीं हैं, अगर ख़ुद मुख्तार हैं भी तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हैं। और कहने को बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि जी ख़ुद मुख्तार हैं, ख़ुद मुख्तार हैं, हैं नहीं। तो बेहतर ये है कि इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट जो है वो हर एक का हक है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। तो बस आ गया ख्याल और किसी न किसी को तो ये स्टेप लेना था, ले लिया। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम्स, हम लोगों ने अर्बन रिसोर्स सेंटर में भी सुना कि काफ़ी सारे आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, कोई ख़ास बात आज जो आप यहाँ पे जो आप समझते हैं कि शायद उस रोज़ जिक्र करना रह गया, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से एक्सपीरियंस होते हैं, कोई ऐसी बात जो आज आप ख़ास तौर पर बताना चाहें? हर तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं थी। कोई भी नई चीज़ होती है तो उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस होना बहुत मुश्किल होता है, और वो एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, पथराव हुआ, जलाव घिराव हुआ, खैर जलाव घिराव नहीं हुआ लेकिन बहुत कुछ हुआ, बहुत बहुत कुछ सुनने को मिला। लेकिन ये कि देयर वाज नो लुकिंग बैक, हमने कहा कि हमें परवाह नहीं है किसी चीज़, हमने जो है उस काम को कंटिन्यू रखना है। जलाव घिराव यकीनन हुआ, क्योंकि जब ऐसे ऐसे जुमले बोले जाते हैं, हमें उन जुमलों को जो बोले जाते हैं और वो मुकम्मल तौर पर किसी तरह भी जलाव घिराव से किसी सूरत भी कम नहीं होते, उनका अंदाज़ा है। हम समझ सकते हैं कि किस तरह से जब ख़वातीन घर से बाहर निकलती हैं तो उनको कैसे कैसे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। और साथ ही में सर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उन मर्दों को भी जो अपनी ख़वातीन को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त देते हैं, उनको भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो कैसा एक्सपीरियंस, ख़वातीन का रिस्पांस कैसा रहा? ख़वातीन में शुरू में रिस्पांस तो बिल्कुल ज़ीरो था, वो कहती थी नहीं भाई हम नहीं चला सकेंगे। तो हमने किया, कन्विंस किया, मोटिवेट किया, और अभी ये है कि अभी दूसरी लड़कियों को देख के जो है वो उनके अंदर आ जाता है जोश कि यार हाँ चला रही, बहुत सारी लड़कियाँ चला रही हैं। लेकिन ये है कि हमारा जो शुरुआत है हमारी वो इसी तरह से होती है कि हमें बहुत ज़्यादा शुरू में ना माइंड मेकअप करना होता है, भाई चला लेंगी चला लेंगी चला लेंगी, और फिर नतीजा वही निकलता, चला लेती हैं। कोई ऐसा मुश्किल केस जिसके बारे में आप बताना चाहें कि आपने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की
और बहुत मुश्किल से आपने उनको सिखाया। जी हाँ, इस तरह के बहुत सारे केसेस आए। हमारे पास एक खातून आई जिनकी उम्र 71 साल थी, वो माशाल्लाह अब हमारी टॉप राइडर्स में से एक हैं। तो जब उनकी उम्र और उनको भी मैंने देखा, उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, हम नहीं कर सकेंगे। तो लेकिन बहरहाल उनका जज्बा जो है वो जवान था और बहुत बेहतरीन रहा। फिर हमारे पास और बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हाइट की लड़कियाँ भी आती हैं, बहुत ज़्यादा वज़न के साथ भी आती हैं। तो लेकिन हम चैलेंज का जो है वो सामना करते हैं। इकबाल का शेर मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी उन खातून की हौसला अफजाई के लिए जिन्होंने इस तरह से मेहनत की और कोशिश की कि उन्होंने आपके भी इनकार को उन्होंने इकरार में बदल के दिखाया, उन्होंने उसको चैलेंज को एक्सेप्ट किया। अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा है, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। उन्होंने एक उस्ताद के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि वो उस्ताद होते हुए किसी स्टूडेंट को ना कहे, और फिर उसके बाद जब उन्होंने उस इनकार को, आपके ना को उन्होंने जब पॉजिटिव करके दिखाया, तब आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा जी, फ़खर से जिसे कहते हैं ना छाती चौड़ी हो जाती है, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सही, ये वो रिवॉर्ड्स होते हैं, ये वो तमगात होते हैं जो उन तमगों पर जो हमें मिलते हैं, जो हमें बैज मिलते हैं, जो हमें कप्स मिलते हैं, उनमें उनसे कहीं ऊपर चले जाते हैं। ऐसे एक्सपीरियंस ज़िंदगी में कोई और कोई ऐसी बात जो चैलेंजिंग लगी हो? मेरी अपनी ज़िंदगी जो है वो चैलेंजेस से भरपूर रही है। वो तमाम काम जो हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सिवाय जहाज़ से कूदने के, स्काई डाइविंग के अलावा दुनिया का हर काम किया है और चैलेंजेस कबूल किए हैं और बिल्कुल किए हैं। चाहे वो K2 बेस कैंप तक जाना हो, 6 दिन ट्रैकिंग करनी पड़ती है उसके लिए बर्फ़ में, वो भी किया, और पिंक राइडर्स खुद बजाते खुद एक ऐसा ही काम है, तो बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, बिल्कुल किए हैं। तो जो यहाँ पे हम बात करते हैं, इस वक्त आप लोग मलीर में मौजूद हैं, यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनका, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये जो मलीर का एरिया है ये काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे, और काफ़ी बेहतर रिस्पांस इनका होता है, पॉजिटिव रिस्पांस होता है घर वालों का भी, सोसाइटी का भी, और जो बच्चियाँ हैं वो भी उनका भी मॉरल जो है वो हाई होता है। तो यहाँ के बच्चों का कैसा रिस्पांस रहा? देखें जी, हर इलाके की कोई ना कोई शिनाख्त होती है। हमारे पेशे के हवाले से इस इलाके की जो शिनाख्त है वो ये है कि मलीर, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल, ये पूरे सेक्टर में पूरे कराची की सबसे ज़्यादा बाइकर्स हैं। जैसे लियारी के बारे में कहा जाता है ना, सबसे ज़्यादा बॉक्सर, बॉडी बिल्डर्स या साइकिलिस्ट सबसे अच्छे लियारी से निकलते हैं, तो उसी तरीके से ख़वातीन बाइकर जो है ना सबसे ज़्यादा मलीर में। ये मलीर के लिए एक बहुत पॉजिटिव बात भी है कि जो हमारी बच्चियाँ हैं वो इस तरह से आगे बढ़ती हैं, और उन्होंने ये साबित किया है कि वाकई एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उसको फेस करके उसको अपने पीछे छोड़ देते हैं। सर, आपकी बच्चियाँ जब यहाँ पे आती हैं तो सबसे पहला स्टेप उनका, जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, वो क्या होता है? चला तो लूँगी। ठीक है, और फिर कैसे चलाती हैं? चला लेती हैं। तकरीबन कितना? देखें, हर एक का अपना अपना हिसाब है, किसी को 2-4 क्लासेस लगती हैं, किसी को 10-12-15 क्लासेस लगती हैं। हमारे यहाँ नंबर ऑफ़ क्लासेस की लिमिट नहीं होती है, कभी से नहीं थी। तो हमारा ये होता है कि जो आए वो सीखे बगैर जाए नहीं, अगर कोई जाने की कोशिश भी करती है तो हम घर से पकड़ के ले आते हैं, उसे जा नहीं सकती। जो यहाँ पे ट्रैक पे कोई ऐसा स्टूडेंट जो मुश्किल आपको लगता हो कि कोई हाइट की वजह से या किसी और वजह से कोई मेंटल उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, या कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि वो यहाँ पे आने से पहले उस चीज़ को जो है वो पीछे छोड़ के आए? देखिए, मेंटल प्रॉब्लम सबके साथ हैं, सबके साथ हैं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, बिलखसूस पाकिस्तान में तो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन है, हर बंदे को है, हर इंसान को है, मुझे भी है, आपको भी है। तो ये हो नहीं सकता कि किसी के साथ मेंटल प्रॉब्लम ना हो। मेंटल इलनेस का सबसे बड़ा जो इलाज है ना, वो बस ये है कि इंसान को उसके अंदर जो मेंटल इलनेस है या कोई खामी है वो उसको पता हो। कि जैसे मिसाल के तौर पे यार किसी को गुस्सा बहुत आता है, उसको पता हो कि हाँ यार मुझे बिलावजह गुस्सा आ जाता है, तो वो उसको ओवरकम कर लेगा। तो यहाँ पर सबके साथ ही डिप्रेशन होता है,
और जब आती हैं तो उनको समझाया जाता है कि देखें आप अपने इस पहलू को समझें, अपनी इस मेंटल कंडीशन को समझें, अपनी इस फिज़िकल कंडीशन को समझें। जब इंसान उस चीज़ को समझने लगता है सारे काम आसान हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। अभी हम आपके बच्चों से बात करेंगे और फिर देखते हैं अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो फिर हम आपसे दोबारा बात करेंगे, ठीक है। इस वक्त हमारे साथ पिंक राइडर्स के हवाले से यासरा मौजूद हैं जो कि राइडिंग सीख रही हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको इस बात का ख्याल कैसे आया, उन्होंने इस चीज़ की अहमियत को कैसे समझा कि उनके लिए ज़रूरी है कि वो बाइक राइडिंग सीखें। अस्सलाम वालेकुम यासरा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी खुदा उनके शुक्र बिल्कुल ठीक। आपको ये इस बात का ख्याल कैसे आया, क्या ज़रूरत महसूस हुई आपको कि आपने बाकी सारी चीज़ें छोड़ के आपने कहा कि नहीं मेरे लिए राइडिंग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? एक्चुअली मैं जॉब करती हूँ और मैं बस में ट्रैवल करती हूँ, मैं ऑटो में ट्रैवल करती हूँ, तो बस में दो दो बसें करके जाना होता है और ऑटो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो बाइक का ये है कि 100 रुपीज़ में मैं 2 टाइम अपने ऑफिस आ जा सकती हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने कोशिश करी कि मैं पिंक राइडर्स ज्वाइन करूँ, तो पिंक राइडर्स मैंने ज्वाइन किया, वहीं से मैंने बाइक राइड कम्प्लीट कर दी है। Okay, आप सीख चुके हैं, अब आप ट्रेंड हो चुके हैं, सही। तो फिर आप हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, स्टार्टिंग में कैसा रहा, क्या क्या खौफ थे जो आपको, क्योंकि आने वाली हर लड़की के दिल में डर होता है, खौफ होता है कि यार गिर जाऊंगी, संभाल नहीं पाऊंगी। सबसे बड़ा खौफ जो होता है वो ये होता है कि बाइक जो है वो बहुत हैवी होती है, उसको संभालेंगे कैसे, अगर गिर गए तो चोट लगेगी और बहुत बुरी चोट लगेगी, तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। घर वालों के सामने हाय किया तो फिर वो जान को आएंगे कि उस वक्त तो बड़ा शौक चढ़ा हुआ था, अब हमारी जान क्यों खा रही हो। बिल्कुल, अब सेकंड बात, फर्स्ट बात ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे हाइट फोबिया है। हाइट फोबिया में ये है कि मैं मतलब बाइक राइड नहीं कर सकती, मैं ऊंचाई से नीचे देख नहीं सकती, तो मेरा टारगेट तो अपने फोबिया को ख़त्म करना था। मगर जब मैंने देखा कि पिंक राइडर्स को मैंने सर्च किया एज अ फीमेल बाइकर्स को, तो मुझे पिंक राइडर्स मिला, तो फिर मैंने पिंक राइडर्स फर्स्ट टाइम गई, वहाँ मैंने स्टार्ट किया, मतलब ज्वाइन नहीं किया था, मैं चेक कर देखना चाह रही थी कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो फर्स्ट टाइम जिस तरह मुझे ट्रेन किया गया तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कोई सी भी गाड़ी में चला सकती हूँ, तो मैं बस अपनी ठीक है। हमें आप ये बताइएगा घर वालों की तरफ से, या जो एक लड़कियों को खौफ होता है कि जब हम बाइक चलाते हुए बाहर सड़क पे निकलेंगे तो जो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें हमें सुनाई देंगी, उनका जो उनके दिल में फियर होता है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आपको फेस करना? नहीं, मुझे ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा, मेरी फैमिली सपोर्टिंग है और सबने मुझे सपोर्ट किया, और बाइक लेके जब मैं रोड पे निकली तो अभी तक ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आया कि मुझे मतलब नेगेटिव दिखाया जाए या मैं नेगेटिव मुझे देखा जाए, तो अभी तक तो सब पॉजिटिव, क्योंकि अब हमारा माशरा चेंज हो गया है, काफ़ी चेंज हो गया है, तो अप्रिशिएट ज़्यादा लोग करते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि कुछ होते हैं ऐसे मनचले जो बिल्कुल बाइक के आगे से ही कट मारते हैं ताकि फ़ीमेल बाइकर ज़रा खौफ में आ जाएँ, तो बस मैं ये चाहती हूँ कि वो अगर कोई लड़की बाइक चला रही है तो ज़रा ध्यान रखें, ज़रा केयरफुली चलाएं ताकि उसे भी चोट ना आए ना आपकी गाड़ी डैमेज हो। बस अच्छा, मैंने लास्ट टाइम जब हमारा अर्बन रिसोर्स सेंटर में हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, तो मैंने एक बात कही थी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका भाई है वो ऐसी हरकत करता है और वो घर जा कर आपको बताता है, आपका क्या रिएक्शन होगा उसके? मैं तो उसे बैडली फील करूंगी ना, और उसे मैं समझाऊंगी। अभी तक तो मेरा भाई को मैं खुद अपने भाई को सिखा रही हूं, और उसे पहले तो यही बताया गया है कि फ़ीमेल की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, क्योंकि जैसे घर में बहन की रिस्पेक्ट की जाती है ऐसे बाहर बाइक चलाने वाली है कोई भी फ़ीमेल की उसी तरह ही रिस्पेक्ट होती है। तो अभी तक तो उसे समझाया है, आगे वो और मज़ीद बड़ा होगा तो आगे उसका क्या होगा वो तो अल्लाह ही जाने। नहीं, एक्चुअली इस सवाल के पीछे एक मकसद है, क्योंकि ये सवाल अक्सर लोग करते हैं कि जब हम बाहर निकलेंगे तो मतलब यहाँ पे जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं इसके लिए यहाँ पे मर्दों को होना चाहिए था, आप मर्दों को बताएं कि किस तरह से ख़वातीन जब बाहर निकलती हैं तो उनको किस तरह से आपने एक्सेप्ट करना है। तो मैं पर्सनली समझती हूँ कि हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो अगर ख़वातीन ख़ुद अपने घरों में मौजूद मर्दों को ये बात बताएंगी कि उन्होंने लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी, घर में बहन भाई आपस में बहुत कुछ करते हैं
लेकिन अगर वो बाहर जाते हुए अपनी वो बहनों की रिस्पेक्ट करते बाहर जाते हुए रोड पे वो किसी लड़की के साथ इस तरह से उसको वो वैसे ही शरारत करना चाहते हैं तो वो शरारत बाज़ों का ख़तरनाक भी हो सकती है। कोई भी बच्ची रोड पे वो अनसिक्योर ही होती है, वो बेशक आपकी अपनी सगी बहन भी रोड पे जा रही है आप उसके साथ ही शरारत करेंगे तो भी वो भी इनसिक्योर होकर वो भी कोई ना कोई प्रॉब्लम अपने लिए और रोड पे जाने वाले दूसरे लोगों के लिए क्रिएट कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका एक्सपीरियंस जान के आई होप कि आगे आने वाली लड़कियां जो हैं और मज़ीद लड़कियां जो बच्चियां देखेंगी वो इससे एक अच्छी मोटिवेशन लेंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वक्त हमारे साथ सिद्रा मौजूद हैं जो स्टूडेंट हैं और अभी उन्होंने जो राइडिंग का प्रोसीजर है वो स्टार्ट किया है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ की ट्रेनिंग के हवाला से क्या कहना चाहेंगे। सिद्रा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। अच्छा सिद्रा मुझे ये बताइएगा कि जब आप यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, ठीक है, घर से जब हम आते हैं तो हमारा कुछ और माइंड होता है, जब हम यहाँ पर आके पॉइंट पे आके जब हम स्टार्ट करते हैं आपको कैसा लगता है, आपने ये सारा एक्सपीरियंस कैसा पाया, आप खुद को सेफ महसूस करती हैं? सेफ, अपने आप को सेफ समझते हैं और हमें भी लड़कों के मुकाबले में लड़कियों को शाना बशाना साथ चलना चाहिए क्योंकि आजकल का जो दौर है वो बहुत महंगाई का है और लड़कियों को भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और यहाँ पे माहौल हमारा बहुत फैमिली माहौल है माशाल्लाह से, मैं 2 वीक से नहीं आ रही, ये 3रा वीक है तो मुझे यहाँ पर अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है हमारा, कोई नहीं है कि कोई लड़के आ रहे हैं या जो भी है, हमारे सर बहुत अच्छे हैं और हमारे पास पार्टिसिपेंट और हम ग्रुप में आपस में बातें करते रहते हैं। यहाँ पे जब आप ट्रेनिंग ले रही होती हैं तो जो ट्रेनर्स हैं उनकी तरफ से आप मुकम्मल तौर पर सिक्योर फील करती हैं, सेफ फील? जी जी, हम सिक्योर फील करते हैं क्योंकि वो हमारे बकायदा हमारे साथ साथ चल रहे होते हैं, हमें कोई गिरने का या कोई ख़तरा नहीं होता, इश्यू नहीं होता, वो हमें फ़ौरन से सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं तो इसलिए बहुत अच्छा है हमारा पिंक राइडर्स। दैट्स गुड, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, खुदा करे आप जल्दी सीख के तो आगे मज़ीद बच्चों को सिखाने वाली हो सकें। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ मारिया मौजूद हैं जो कि बाइक राइडिंग की ट्रेनिंग ले रही हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ पर आकर जब मेल ट्रेनर्स हैं तो उनके साथ आप कैसा फील करते हैं। मारिया कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बात मेल ट्रेनर्स की है तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, बहुत सेफली और कहना चाहिए कि वुमेंस की रिस्पेक्ट के साथ ये बाइक राइडिंग सिखाते हैं। सही। और बहुत अच्छा गाइड करते हैं, यानी आप ये समझ लें कि 30% हमारी तो 70% इनकी एफर्ट है जो हम आज यहाँ पे चला रहे हैं बाइक ना। सही। और इनका कॉन्फिडेंट बहुत है, इन्होंने हमें जो दिया है, हम तो एक आए थे अपने एक शौक़ होता है एक कुछ आप उसके लिए आते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ के बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया कि ये बताया कि मतलब हम किसी से कम नहीं है और हम सब कुछ कर सकते हैं, हर चीज़ को फेस कर सकते हैं। तो अच्छा एक एक क्वेश्चन मैं करना चाह रही हूँ, आई होप कि आपको बुरा नहीं लगेगा, बींग अ पाकिस्तानी मुआशा, ठीक है, हमारी जो सोसाइटी है हमें एक सबक दिया जाता है डिस्टेंस, है ना, तो यहाँ पे जब आप राइडिंग सीख रहे होते हैं तो कभी कोई ऐसी बात कभी फील हुई कि मतलब कभी कोई आपको हैरेसमेंट कभी महसूस हुई हो या कुछ ऐसा कि कभी आप डगमगाए हों और फिर बाद में कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था? टू बी ऑनेस्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आप ये जानती हैं कि वुमेंस की इस मामले में सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बिल्कुल कि आप इस चीज़ को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, फ्रेंकली सिखाते हैं लेकिन एक रिस्पेक्ट जो होती है मर्द और औरत के बीच की वो भी बिल्कुल उसको कायम रखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन करते हैं, सब अपने लिमिट में रहते हैं, लेडीज़ पे भी डिपेंड करता है और जेंट्स पे भी, दोनों पे डिपेंड करता है, अपने डिस्टेंस को मेंटेन करना आप किस तरह से करते हैं और उसको कैसे लेकर चलते हैं आगे। बहुत शुक्रिया, ये क्वेश्चन मैंने आप ही से किया लेकिन ये क्वेश्चन मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं घर में उनके जहन में ये बात आती है, भेज तो दिया है ठीक है, ऑफिस में काम करना एक अलग बात है लेकिन बाइक राइडिंग सीखना एक अलग बात है,
क्योंकि इसमें आपको उन्होंने बैठना भी सिखाना है, उन्होंने आपको हैंडल को भी संभालना सिखाना है, उन्होंने आपको गियर को भी कैरी करना संभालना सिखाना है, हर एक चीज़ को संभालना सिखाना है। तो इस दौरान में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर कुछ तहफ़ात होते हैं लोगों के, पेरेंट्स के, जो डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि माँ बाप को मोहतात होना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप कि आइंदा आने वाले बच्चे जो हैं और पेरेंट्स जो हैं वो पहले की नस्बत ज़्यादा बेहतर तौर पर और ख़ुशी से और अपने बच्चों को महफूज समझते हुए यहाँ भेज सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मुशायल मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और कुछ और चीज़ों को मज़ीद खोल के डिस्कस करना चाह रहे हैं हम लोग, ताकि हर किस्म के खदशात जो जहनों में हैं वो दूर हो सकें। मुशायल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जब आप आती हैं तो ये सारा सिस्टम कैसा लगता है? स्टार्ट में जब मैं आई थी तो मुझे थोड़ी हेजिटेशन फील हुई थी, क्योंकि मैंने यहाँ और लड़कियों को आकर देखा, स्टार्ट में हेजिटेशन होती थी आने से पहले कि मैं कैसे करूँगी, कैसे स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने यही सोचा मैं कैसे साइकिल चलाऊँगी, कैसे बाइक चलाऊँगी, लेकिन यहाँ जब मैंने दूसरी लड़कियों को देखा वो मेरी ही तरह ही हैं, वो भी स्टार्ट में मेरी तरह पहले हेजिटेशन फील करती हैं, फिर उसके बाद जब मैंने उनको देखा यार ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, तो उनको देख देख के मुझे मोटिवेशन हुई, तो फिर मैंने भी स्टार्ट किया और फिर मेरी सारी हेजिटेशन निकल गई। ठीक है, आप कब से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं? मेरी आज आई गेस 6th क्लास होगी। सही, और कितना सीख चुके हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाइक पर हूँ, जब मैं आई थी तो मैंने शायद साइकिल कभी ज़िंदगी में नहीं चलाई थी, लेकिन आज मेरी 6th क्लास है और मैं इतनी जल्दी ट्रेन हो गई हूँ और मैं बाइक पर हूँ। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगी उन बच्चों के लिए जो घरों में बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उन पेरेंट्स के लिए भी जिन्होंने अपने बच्चों को भेजना है, जिनकी बेटियां अभी प्रोग्राम देख के या आप लोगों को बाइक चलाता हुआ देख के अपने प्रॉब्लम्स के बायस उनसे जिद करते हैं, एक ऐसी फैमिली जिनका बैकग्राउंड जो है वो बहुत मजहबी घराना है, घर से बाहर निकलना उनको इजाज़त नहीं है, अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि ना उनको उनके पॉइंट पर भेज पहुँचाने वाला बाप फारग होता है, ना भाई फारग होता है, अब मसला बन गया है। ठीक है, तो मजबूरी हो गई है कि बाइक राइडिंग सिखानी पड़ रही है। ऐसी बच्ची जब यहाँ पे आती है, ट्रैक पे आती है, तो उसका रिएक्शन कैसा होता है? सबसे बड़ा मसला जो होता है वो उसके लिए क्या होता है? सबसे पहला स्टेप जो वो हेजिटेशन उसे होती है वो क्या होती है? उसे हेजिटेशन यही होती है कि एक तो वो ऐसी फैमिली से आई हुई होती है जहाँ उसको परमिशन शायद बहुत मुश्किल के बाद मिलती है, तो उसको सबसे पहले हेजिटेशन ये होती है कि मैं स्टार्ट कैसे लूँ। तो मैंने आपको बताया ना, जब वो दूसरी लड़कियों को देखती है और दूसरी लड़कियों से बात करती है, उस जैसी बहुत सी लड़कियां उसी तरह की फैमिली से आई हुई होती हैं, तो वो मोटिवेट होती है, वो मोटिवेट होके स्टार्ट करती है अपना, और जब वो चलाना स्टार्ट करती है उसको फील होता है कि यार मैं इंडिपेंडेंट बन सकती हूँ, मैं अगर सीख लूँगी तो मुझे किसी पर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। जब वो ये चीज़ ये रिजल्ट्स देखती है ना कि मुझे आगे किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, मैं अकेले मूव कर सकती हूँ, मुझे अपने भाई या अपने पेरेंट्स को नहीं बोलना पड़ेगा मुझे एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप छोड़ो, या मैं इन ड्राइव का वो रेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो खुद बहुत मोटिवेट होता है। कितनी कितनी देर तक उनका वेट करते रहो, बाज़ों का राइड बुक होती है कैंसिल नहीं हो रही होती, ना आ रही होती, ना कैंसिल हो रही होती है, ना आप बिल्कुल फंसे हुए होते हैं, ना ज़मीन के होते हैं ना आसमान के होते हैं। ऐसा ही है, तो उसमें बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो जॉब्स नहीं करती हैं, उनके पास वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, वो रेंट दें, इन ड्राइव का वेट करें, या एक बस से दूसरे स्टॉप तक जाएं, वो आपको घर तक नहीं छोड़ेगी, वो जस्ट आपको स्टॉप तक छोड़ेगी। तो मेरी एडवाइस ये है कि हर लड़की को जिस तरह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसी तरह उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और बाइक मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ है कि वो अफोर्ड हो सकती है। सही, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये जान के भी अच्छा लगा कि पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल हो रहा है जहाँ पे जो गाड़ी का दूसरा पहिया है वो प्रॉपर तौर पे कारआमद हो रहा है, गाड़ी अब सिर्फ एक पहिए पे नहीं चलेगी, अब दोनों पहियों पे चलेगी। हमारी नेक तमन्नाएं आप सबके साथ हैं, खुदा करे कि ये सारा सिलसिला जो है वो हमेशा इसी तरह आज़ादी के साथ और ख़ुशी के साथ, कामयाबियों के साथ जारी रहे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। Thank you.
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.